अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सबनम किचन रूटीन पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ये बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, इससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बिल्कुल केएफसी स्टाइल चिकन पेटी बर्गर, जिसके लिए मैंने ली है करीब 400 ग्राम बोनलेस चिकन। मैं इसे अब ग्राइंडर जार में डाल दूंगी और आप लोग से मैं एक सीक्रेट रेसिपी शेयर करूंगी जो केएफसी वाले यूज़ करते हैं, वो है चिकन की स्किन। स्किन में थोड़ी चर्बी होती है तो उससे पेटी थोड़ी अंदर से जूसी और टेस्टी भी बनती है। अगर आपके पास हो तो यूज़ करें, ना तो इसे स्किप कर दें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच मस्टर्ड पाउडर, एक चम्मच ब्लैक पेपर यानी गोलकी पाउडर, एक चम्मच नमक और साथ में मैं कुछ ऐड करूँगी कुछ हरे मसाले, जो है कुछ धनिया पत्ती, दो से तीन हरी मिर्च और एक मीडियम साइज प्याज कटी हुई। अब मैं इसमें ऐड करूंगी दो ब्रेड के स्लाइसेस, अगर आपके पास ब्रेड अवेलेबल ना हो तो एक चम्मच कॉर्नफ्लोर यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और दो चम्मच मायोनीज। ये मायोनीज मेरी होममेड है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इंशाल्लाह मैं जल्द आप लोगों से शेयर करूंगी। अब इसे मैं बहुत अच्छे से पीस लूंगी बिल्कुल इस तरह। अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो आप उस पॉइंट पे आप एक चम्मच मलाई और एक चम्मच बटर या घी भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच सरसों का तेल और साथ में यहाँ आप ऐड कर सकते हैं एक अंडा। मैंने मेयोनीज ली है तो मेयोनीज में अंडे भी होते हैं और तेल नींबू सारे होते हैं, तो मुझे और सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसे अच्छे से मिक्स करके एक इसका बड़ा सा पेड़ा लें। इसकी एक बड़ी टिक्की बनानी है बिल्कुल बर्गर की साइज की, देखिए बिल्कुल इस तरह। अगर आपके हाथों में चिपके तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें हाथों पे और इसे मैदा में अच्छे से कोट कर लें। अब एक अंडा लें, इसे अच्छे से फेंट लें। और सारे पेटी को अच्छे से मैदा में कोट करके तैयार कर लें। अब इसे अंडा में डिप करते जाएं और मैंने करीब 4 ब्रेड का ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका ब्रेड क्रम तैयार किए हैं। अब इसे पेटी को इसमें अच्छे से कोट करें, सारे पेटी इसी तरह तैयार कर लें और इसे करीब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने से क्या होगा, पेटी जब फ्राई होगी तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। अब मैं इसमें ले रही हूँ 2 चम्मच मायोनीज और 1 चम्मच टमाटो केचप और 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। ये मैं मायो डिप तैयार कर रही हूँ बर्गर में लगाने के लिए। मैंने पेटी को फ्रिज से निकाल ली है और ऑयल को मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर ली है मीडियम फ्लेम पे। पेटी को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करनी है, बिल्कुल डीप फ्राई, इसको बहुत आराम से फ्राई करनी है ताकि चिकन अच्छे से अंदर में पक जाए। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकने दें और फिर दूसरी साइड इस तरह पलट दें। इसे पकने में करीब 7 से 8 मिनट लगते हैं। अब ये दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इसे इस तरह निकाल लें। ये अंदर से बिल्कुल जूसी सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बनी है ये पेटी। अब एक तवा लें, इस पर बटर को ग्रीस करें और बर्गर को थोड़ा थोड़ा सेक लें, इससे बर्गर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। अब बर्गर पर ये मायो डिप जो मैंने तैयार की थी वो इस पर लगा दूंगी इस तरह, और कुछ पत्ता गोभी के मैंने पत्ते लिए हैं। अब इस पर गर्मा गर्म पेटी रखें और इस पर एक चीज़ की स्लाइस रखें, गर्मा गर्म पेटी पर स्लाइस रखने से वो मेल्ट हो जाएगी। अब फिर थोड़ा सा केचप ले लें, केचप आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और टमाटर के कुछ स्लाइसेस ले रही हूँ और प्याज के थोड़े रिंग्स ले रही हूँ। अब दूसरी साइड बर्गर पे भी मायो डिप बहुत अच्छे से लगा लें। अब बिल्कुल केएफसी स्टाइल चिकन बर्गर तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।